अस्सलामु अलैकुम, मैं सुलेखा अरफा सुलेखास किचन से। तो आज मैं बना रही हूँ हल्का सा स्पाइसी, आप स्पाइस हटा दीजिएगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिएगा। तो आलू मसाला आलू वाले सैंडविच, टोस्ट सैंडविच, बहुत ही मज़ेदार टोस्ट सैंडविच आलू वाले बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा। शाम को छोटी सी भूख के लिए बना सकते हैं, आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, बस मिर्चियाँ मत डालिएगा या अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा, बच्चे बड़े हैं या छोटे उस हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, सैंडविच बनाते हैं क्विकली, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रीडियंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैंडविच आज का बनाते हैं। चलिए, कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, आधा छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा, एक हरी मिर्ची को मैं मोटा मोटा डाल रही हूँ काट कर, आप चाहें तो बारीक काट कर डाल सकते हैं, और इसे तड़तड़ा जाने दीजिए दोनों चीज़ों को। जब तड़तड़ा जाए तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज की प्याज को छुंदा काट कर रखा है, वो मैं डाल देती हूँ, और इसे भी फास्ट आँच पर फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये कच्ची पक्की नहीं हो जाती प्याज, बस वहाँ तक ही आपने इसे फ्राई करना है। प्याज कच्ची पक्की हो जाए तो यहाँ पर एक छोटे चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भी भून लीजिए जब तक इसके कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। मैं चूल्हा स्लो कर देती हूँ क्योंकि मेरी जो फ्राई पैन है बहुत गर्म हो जाती है क्विकली। चलिए, अब जब कच्चापन निकल जाता है, यहाँ पर मैंने 350 ग्राम आलू बॉईल करे हुए लिए हैं, अब इसे मैंने रफली काट लिया था। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, या आधा छोटे चाय का चम्मच डालिएगा। यहाँ पर इसके साथ साथ हल्दी आधा छोटे चाय का चम्मच डाल दीजिए, आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए, एक छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला डाल दीजिए, आधे छोटे चाय के चम्मच से ज़्यादा और 3/4 छोटे चाय के चम्मच से कम यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो स्किप कर दीजिएगा, बच्चों के लिए है तो ये भी स्किप कीजिएगा, चिली फ्लेक्स और गरम मसाला और हरी मिर्चें, तीनों चीज़ स्किप कर सकते हैं आप, और आपके लिए और अगर थोड़ा स्पाइसी बनाना है तो आप डाल सकते हैं। चला लीजिए एक बार, और यहाँ पर मैं 3-4 टेबलस्पून ये जो बारीक कटे हुए गाजर डाल रही हूँ, 3-4 टेबलस्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल रही हूँ। वैसे शिमला मिर्च आप सिर्फ ग्रीन कलर की भी ले सकते हैं, मैंने तीनों कलर की ली थी, मेरे पास थोड़ी थोड़ी रखी हुई थी, और बारीक कटा हुआ कोथमीर यानी कि हरा धनिया मैंने डाल दिया, और स्लो आंच पर ही, और इसे बार बार चलाते रहिए, और इस कदर मिक्स कीजिए कि पूरा मसाला आलूओं के अंदर इस कदर घुल जाए कि आपको पता ना चले कि मसाला कौन सा है और आलू कौन सा है, यू नो। तो बस 2-3 मिनट के लिए इसे भूनिए और बार बार चलाते रहिए, एकदम घुल जाए तो इसका चूल्हा कर दीजिएगा बंद, और थोड़ी सी आप चाहें तो ऊपर से बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए। एक बाउल के अंदर 2 टेबलस्पून जितना टमाटर सॉस डालिए और 2 टेबलस्पून जितना चिली सॉस डालिए, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, इसका प्रपोर्शन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे टमाटर सॉस का मिजान ज़्यादा रखकर चिली सॉस कम डाल सकते हैं, या चिली सॉस ज़्यादा रखकर टमाटर सॉस कम डालिएगा, और उसे मिक्स करके साइड पर रखिए। अब आप देख सकते हैं 2 ब्रेड पर मैंने सिर्फ टमाटर सॉस लगाया, और बाकी के 2 ब्रेड पर मैं जो मिक्सचर बना के रखी थी टमाटर और चिली सॉस का, वो लगा देती हूँ। बहुत अच्छे से चारों ओर ब्रेड पे स्प्रेड आउट कर दीजिए, टमाटर सॉस वाले को भी मैं अच्छे से स्प्रेड आउट कर लेती हूँ। टमाटर सॉस सिर्फ जो डाला हुआ है वो मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ, और वो जो दोनों चिली सॉस और टमाटर सॉस मिक्स है वो मैं बड़ों के लिए बना रही हूँ। तो अब उसके बाद यहाँ 2 टेबलस्पून जितना मैंने अच्छे से मिक्सचर डाला आलूओं वाला, मज़ेदार चटपटा सा और हल्का सा स्पाइसी वाला, दोनों के ऊपर 2-2 टेबलस्पून डाल दीजिए, अच्छा सा स्प्रेड आउट कर दीजिए, और वो जो ऊपर वाला जो ब्रेड है इसे इस तरीके से कवर कर दीजिए। तो ये आपके बन गए 2 सैंडविचेस। फ्राई पैन को बहुत अच्छा गरम कर ले, जब अच्छा गरम हो जाए तो एक सैंडविच के ऊपर इस तरीके से अच्छे से मक्खन लगा ले, और उसे पलट कर फ्राई पैन के ऊपर रख दीजिए, तो जो बेस है मक्खन वाला लगेगा, है ना। अब जब 1-2 मिनट सेकने दीजिए, जब 1-2 मिनट हो जाता है तो ऊपर वाले हिस्से पर भी मक्खन लगा लीजिए चारों ओर अच्छे से, और पलट दीजिए दोनों ओर से, उलट पलट करते जाएं 2-3 मिनट में, तो जब आप उलट पलट करते जाओगे तो पूरी तरीके से सैंडविच सिक जाएगा, मतलब लाइट गोल्डन ब्राउन दोनों ओर से हो जाए तो निकाल लीजिए और इस तरीके से पीस कर लीजिए, और ये देख लीजिए क्या खूबसूरत दिख रहे हैं, और बढ़िया और मज़ेदार, टेस्टी भी बहुत थे हैं, तो ज़रूर बनाइएगा, और चटपटे और क्विक भी हैं। इसी तरीके से सारे बना लीजिए। अच्छा, आप आलूओं का मिक्सचर कम भरेंगे तो ज़्यादा बनेंगे, और मेरी तरह ज़्यादा डालेंगे तो थोड़े से कम बनेंगे, तकरीबन तब भी 6-7 तो बन ही गए मेरे। अच्छा, अगर आपको इसी तरीके से डिफरेंट टाइप की सैंडविचेस की रेसिपी चाहिए, वो भी बॉम्बे वाली, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के लिए।
तो है ना मजेदार रेसिपी। अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए बराबर, जरा जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए ये वाली वीडियो को। और हाँ, उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक्स फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।